अपने संस्कृति बचो सिर्जन संस्था थ्रू प्रयास हर साल शादे विभूति गौतिक भव्य हो, हर साल शादे विभूति गौतिक भव्य हो, लोगों में भरण सु उत्साह, लोगों में भरण सु उत्साह, शादे विभूति गौतिक के हम सब मिली जुली बे जीवन प्रफुला सिर्जन सत्ताक आयोजकों के भौते चु बधाई, सिर्जन सत्ताक आयोजकों के भौते चु बधाई बधाई, अपन संस्कृति बचुणे लीजी यो कवि सम्मेलन जानो उर्गाई। श्री गिरीश प्रपाल जी उपस्थित हैं, सर आपको आमंत्रित करता हूं इस मंच पर। ना नारे सौकारना, ना नारे सौकारना, मित्र काउबाकर, मित्र काउबाकर मुर्गी खेवे माननी नहरे, ना नारे सौकारना, ना मित्र काउबाकर मुर्गी मुर्गी खेवे माननी नहरे, यो रोखड़ यो तालाब यो पोखर, यो रोखड़ यो तालाब यो पोखर सब चैमी के, यो रोखड़ यो तालाब यो पोखर सब चैमी की, यो जंगल यो जंगल जड़ी बूटी सब हजम कर जानो रे, तील बनाने मी का पूरा इष्ट, तील बनाने मी का पूरा इष्ट, आप किला बिलबिलाण से रे, आप किला बिलबिलाण से, मेरे मुख पर आप खून लग गो रे सोकार, मेरे मुख पर आप खून लग गो, मैं आप कैक कर रोकनी है रोकनी नहीं, मैं आप कैक कर रोकनी है रोकनी नहीं, अब मैं अपन ने निश्चुन, तील जे करण सुकर मी चल अपन बाट, और म्यार बाट में जो लाल, और म्यार बाट में जो लाल मी निखानी कर दूल ले मी, म्यार गण कुछ छोड़ल ना, शाम दाम दंड भेद सब औजार छी मी पार, शाम दाम दंड भेद सब औजार छी मी पार, अब ये सब म्यार होय रे, तेर गाई बच्छी झुअर मनु अब सब म्यार होय रे सोका, तू पूछण छे ना मी को छू, मी ईस्ट इंडिया कंपनी टू छी रे, तो संत देश चे मिकी संत देश चे मित्र मित्र या कुकुड़ बाकर इन्हें खेवे माने इन्हें। मैं इस संस्था सृजन के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कविता का शीर्षक है बदलाव चेंजेस। एक बगिया की फूल की तरह, एक पेड़ की पत्ती की तरह, एक नदी की पानी की तरह, एक घर की कहानी की तरह, क्यों किसी के आने से एक घर परिवार टूट जाता है बिखर जाता है, क्यों होता है बिखराव, क्यों कोई किसी और की भावना से खेल जाते हैं, क्यों कोई किसी और की भावना से खेल जाते हैं, क्यों ताज के पत्तों की तरह कुछ सालों में घर ढह जाते हैं, क्यों ताज के पत्तों की तरह कुछ सालों में घर ढह जाते हैं, जिन्होंने साथ खेला साथ पढ़ा, यहाँ तक कि एक ही थाली में खाना खाए, एक ही बिस्तर पर सोए, एक ही रंग के चारों के लिए कपड़े पिरोए जाते थे, एक ही तौलिया साबुन सबके लिए आते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सबके लिए चाहिए अलग मकान, अलग खाना, अलग रहना, अलग सबको ही चाहिए, क्या यह किसी के आने से है या समय की ही मांग, या यह किसी के आने से ही है या समय की मांग है, जिन्हें पाला पोसा उनके आंखों में भी एक आस है, उन्होंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि समय इतना बदल जाएगा, जिन्हें हम अपना कहते हैं, वो ही बदल जाएगा। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्रुतिका साहब। आजकल हिंदी जो है वो अपना महत्व खोती जा रही है, तो इस पर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। लिख लिख कर क्या कमाओगी और क्या खाओगी, कि लिख लिख कर क्या कमाओगी और क्या खाओगी, हिंदी है कलम तुम्हारी, कि हिंदी है कलम तुम्हारी, इसके बोझ तले दबकर मारी जाए। लिख लिख कर क्या कमाओगी और क्या खाओगी,
कि लिख लिख कर क्या कमाओगी और क्या खाओगी, हिंदी है कलम तुम्हारी, इसके बोझ तले दफ्तर मारी जाएगी। इस बोझ की गरल से भुजंग से लिपट कर, इस बोझ की गरल से भुजंग से लिपट कर मैं चंदन होती जाऊंगी, इस बोझ की गरल से भुजंग से लिपट कर मैं चंदन होती जाऊंगी। इस गरल से अब मेरा जिस्म जले या रूह जले, इस गरल से अब मेरा जिस्म जले या रूह जले, मैं हिंदी हूँ मैं कुंदन होती जाऊंगी, मैं कुंदन होती जाऊंगी। कुंदन है वात्सल्य है माँ, अरे कुंदन है वात्सल्य है माँ, मैं जिम्मेदारियों का जरिया गुथती चोटियां देखती जाऊंगी। सभ्यताएं देती रहे चूल्हे को दूर से आग, कि आधुनिकताएं देती रहे चूल्हे को दूर से ही आग, मैं हिंदी में रोटियां सेकती जाऊंगी, रोटियां सेकती जाऊंगी। रोटियां रोटियां खाते क्या तुम भूख की भी कोई अलग भाषा बनाओगे, यूं रोटियां खाते क्या तुम भूख की भी कोई अलग भाषा बनाओगे। बनाओ बनाओ मैं तुम्हें विवादित कहती जाऊंगी, हलक से नीचे उतरते निवालों को अनुवादित कहती जाऊंगी, अनुवादित कहती जाऊंगी। बेखौफ मैं बेखौफ हूँ बेबाक हूँ, मैं बेखौफ हूँ बेबाक हूँ, मैं तंग घोलती जाऊंगी। बेखौफ हूँ बेबाक हूँ मैं तंग घोलती जाऊंगी। दुशाला अनुवाद की ओर कर, कि दुशाला अनुवाद की ओर कर, हिंदी लांगने वाले पैरों को अपंग बोलती जाऊंगी, अपंग बोलती जाऊंगी। मैं बेखौफ हूँ बेबाक हूँ हाँ तंग घोलती जाऊंगी। लांगू लांगो आखिर कितना लांगोगे, कि लांगो मेरी जान आखिर कितना लांगोगे। लाख कर तुम मेरी लिखावटें मिटा नहीं सकते, कि लाख कर तुम मेरी लिखावटें मिटा नहीं सकते। अंधविश्वासी हो क्या जरा तर्क पर आओ, कि अंधविश्वासी हो क्या जरा तर्क पर आओ। सिर लांग कर तुम हिंदी का कद घटा नहीं सकते, कि यूं ही तुम मेरी लिखावटें मिटा नहीं सकते। अंधविश्वासी हो क्या जरा तर्क पर आओ, सिर्फ लांग कर हिंदी का कद तुम घटा नहीं सकते। संस्था तरबटी आयोजित आज यह काव्य सम्मेलन में आप सबों को मैं प्रणाम करूँ। तो ज्यादा न मिल दिया आखिर लिखना प्रयास कर रहो तो आप सामणी में घरों नहीं घर भते सब अपन मोबाइल पर जेड़ी रही, घर भते सब अपन मोबाइल पर जेड़ी रही। सुख दुख क्वीर कोई नहीं कोनाब, सुख दुख क्वीर कोई नहीं कोनाब, पुट फर्क में बह रही। क्या बात, भाल दिन तबाल सृजन संस्था तरबटी आह्वान ल करणी, भाल दिन तबाल जब हम मिलजुल बे रोल, भाल दिन तबाल जब हम मिलजुल बे रोल, जब हम कुछ सृजन करो, सृजन का आगिल बढ़ो। ना कोई आस ना कोई रास, ना कोई चाह ना कोई था, यूं ही चला जा रहा हूं। यश नहीं अपयश नहीं, ऊपर उठ गया हूँ संसार से दूर, कहीं डर नहीं संभल गया हूँ, यूं ही समय बिता रहा हूँ। सुबह उठ रहा हूँ सायं घूम रहा हूँ, घुप अंधेरे में नई राह खोज रहा हूँ, यूं ही आराम कर रहा हूँ। सावन की हरियाली जीवन की खुशहाली, उमंग भर रहा हूँ गुत्थी उलझी सुलझा रहा हूँ, यूं ही चला जा रहा हूँ, यूं ही चला जा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। दिन रात की मेहनत बिगाड़ दी सेहत, रात दिन एक किया, प्रश्नोत्तर रख दिया,
मैरिट तो बनी ठीक पर हो गया पेपर लीक। शासन ने उठाया कदम जैसे उन पर किया रहम, जांच आयोग बैठा दिया, लॉलीपॉप थमा दिया। हुआ उग्र आंदोलन, न्याय की आस में निकल पड़े सड़कों पर, रोजगार की आस में लाठी चार्ज करा दिया। थक प्रभ हो गया, उदास मन हो गया, स्वर्णिम भविष्य वाला युवा डिप्रेशन में चला गया। हिम्मत तुम्हार हार, इतिहास गवाह है, क्रांति से ही शांति है, राम राज गवाह है। श्री मोहन चंद तिवारी जी, परदेश में भारत का ये आदर्श बनेगा, एक दिन तो बनेगा, ये उत्तराखंड बनेगा। ऋषियों की ये धरती है के स्वर्ग मनाओ, सब झूम के कह दो कि उत्तराखंड बनाओ। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ भाई, मजहब की लड़ाई यहाँ अब तक नहीं आई। ये ऐन चमन कहा गया इतिहास बनेगा, एक दिन तो बनेगा, ये उत्तराखंड बनेगा। कहते हैं कहीं गोलियां बारूद निकालो, कहते हैं कहीं हिंसा को हथियार बना लो। इस तरह हम लड़ेंगे तो निर्दोष मरेंगे, गांधी की राह पर ही उत्तराखंड बनेगा। मैं आप सबका इस शानदार बिखौती मेले के अवसर पर सदन संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस काव्य गोष्ठी में पधारे आप सभी महाभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। या तो अध्यक्ष जी हमें अनिवार्य कर दें कि आपको कहना ही, चार दिन पहले बता दें, हम बाकी काम छोड़ के बस वही करेंगे, इसलिए हम इसके लिए यूं ही नहीं, वह दर्द से दोहरा हुआ होगा, घाव निश्चय ही बहुत गहरा लगा होगा। यूं ही नहीं वह दर्द से दोहरा हुआ होगा, घाव निश्चय ही बहुत गहरा लगा होगा। इस कदर बेचैन ना होता लड़ाई जीत कर भी, आवाज पर निश्चय कड़ा पहरा लगा होगा। नहीं था शख्स वह ऐसा कि घुटने टेक देता जो लड़ते लड़ते वह बहुत ही थक गया होगा। आकाश में है उठ रहा हर ओर ही काला धुआं। बस्तियों में फिर कहीं हमला हुआ होगा, चीख सुनकर भी नहीं खिड़की खुली कोई। शहर सारा ही यहाँ बहरा हुआ होगा। यूं ही नहीं वह दर्द से दोहरा हुआ होगा, घाव निश्चय ही बहुत गहरा लगा होगा। बेखौफ तूफान आंधियां सहता रहा दरख्त, कुछ बात थी ऐसी कि बस लड़ता रहा दरख्त। बेखौफ तूफान आंधियां सहता रहा दरख्त, कुछ बात थी ऐसी कि बस लड़ता रहा दरख्त। सूरज की कड़ी धूप ने जब भी जलाए पंख, चिड़ियों की घनी छांव का डेरा रहा दरख्त। बेखौफ तूफान आंधियां सहता रहा दरख्त। गुजरे हैं लोग अक्सर कंधों पे लिए जाल, शिद्दत से पूरे दर्द में डूबा रहा दरख्त। शिकवा भी करे किससे अपनों ने दिए दंश, चुपचाप सारी रात भर हंसता रहा दरख्त। बेखौफ तूफान आंधियां सहता रहा दरख्त, कुछ बात थी ऐसी कि बस लड़ता रहा दरख्त। धन्यवाद। अपनी साहित्यिक प्रतिभा के दम पे उन्होंने यहाँ पे एक प्रकाश पुंज फैलाने की कोशिश की है। जो संस्था है इसका उद्देश्य सबसे पहले आपने देख लिया, जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं बुद्धिजीवी आते हैं, अपने कुछ न कुछ उनपे प्रतिभा होती है और ये लगन होती है।